आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपनी ऑयली स्किन से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने डिमांड की थी कि मैं ऑयली स्किन पर कोई फेस पैक उन्हें सजेस्ट करूं, या फिर कुछ लोगों ने मुझे ओपन पोर्स की कंप्लेंट भी की थी। तो दोस्तों, ये फेस पैक उन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए, और साथ साथ अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम किसी को भी है तो भी इस फेस पैक को इस्तेमाल करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब इस फेस पैक को रेडी करना बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और इस पैक को रेडी करते हैं। सबसे पहले क्लीन बाउल ले लेती हूँ मैं। सबसे पहले क्लीन बाउल ले लिया है मैंने, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 स्पून गेहूं का आटा। दोस्तों, गेहूं का आटा तो सबके घर में अवेलेबल होता है, मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वो इंग्रेडिएंट बताऊं जो कि आपके घर पर आसानी से मिल जाए। और जो सेकंड इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वो है टर्मरिक। टर्मरिक आपने इतनी लेनी है, ये 2 पिंच लगा सकते हो आप। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वो है हनी। ये हर्बल है, हनी बिल्कुल प्योर है। ये देखिए, आपने 1/2 स्पून के करीब लेना है। ये हनी के अंदर ऐसी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन पर निखार लाती हैं, साथ साथ फेयरनेस का काम करती है। हल्दी हमने इसमें ऐड की है, हल्दी भी निखार लाने का 100% अजमाया हुआ नुस्खा है, साथ साथ हमारी स्किन की गंदगी को दूर करती है। और ये जो हमने यहाँ गेहूं का आटा लिया है ये ओपन पोर्स को बहुत तेज़ी से कम करती है, साथ साथ उनको बहुत जल्दी ही जो है स्किन से ऑयल को भी रिमूव करने में हेल्प करती है। ओपन पोर्स हमारे तब हो जाते हैं गाइस, ये जो रोम छिद्र होते हैं ना, ओपन पोर्स रोम छिद्र को बोलते हैं, ये तब खुल जाते हैं हमारे जब हमारी स्किन ऑयली होती है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गेहूं का आटा बहुत ही फायदेमंद है। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ ऐड करूंगी गाइस वो है रोज वाटर, और ये मेरा घर का रोज वाटर है। मैंने इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। अब ये खत्म होने वाला है तो मैं इसे दोबारा से रेडी करूंगी। आपने रोज वाटर इस हिसाब से ले लेना है कि जितने में ये सारा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाए, ये पेस्ट हमारा बन जाए। अगर हमारा 2 स्पून में नहीं बन रहा है तो आप इससे थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, और रोज़ वाटर की जगह आप यहाँ पर थोड़ा सा योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कुछ ना हो गाइस, अगर रोज़ वाटर भी नहीं है और कच्चा दूध भी नहीं है, तो आप सिंपल वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा ये। बस इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, इस तरह से ये उबटन टाइप बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं रोज़ वाटर और ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ये देखिए, ये अब हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, फेस पैक रेडी हो गया है। इसके बाद आपने अपने इस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करना है। ये हमने इस तरह से लेना है, मैं आपको हाथ पे लगाकर दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, आपने इस तरह से अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में लगाना है। इसे तब तक लगाकर रखना है गाइस जब तक ये सूख ना जाए। सूखने के बाद आपने ठंडे पानी से अपने फेस को, अपने आर्म्स को, अपने नेक को, जिस भी पोर्शन पर आप इसको अप्लाई करेंगे, वॉश कर देना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से अपने हैंड पर लगाया है, आप अपने फेस पर, किसी भी बॉडी पार्ट पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको तब तक लगा कर रखें जब तक ये सूखे ना, और सूखने के बाद ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए अपने फेस को, और आप फिर देखेंगे कि कितना बढ़िया रिजल्ट आपको अपनी स्किन पर दिखेगा। ओपन पोर्स आपके क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर बेस पर अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे। शरीर से बहुत सारी गंदगी निकलेगी क्योंकि हमने इसमें गेहूं का आटा लिया है। पुराने समय में आप जानते होंगे, सुना होगा अपनी दादी नानी से, कि चोकर का इस्तेमाल करते थे वो अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो आज मैं यहाँ पर गेहूँ का आटा ले रही हूँ। मैंने इसे छाना
नहीं है, ताकि इसमें थोड़ी सी चोकर रहे जो कि हमारी ब्यूटी को बढ़ाने में हेल्प करे। तो गाइस ये मेरा पैक रेडी हो गया है और अब ये सूख जाएगा तो मैं इसे वॉश करूँगी। आपने भी तभी वॉश करना है जब सूख जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर जरूर कीजिए गाइस, मुझे आपके मोटिवेशन, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरी वीडियो पसंद आने पर लाइक के बटन पर हिट करना ना भूलें। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।